बच्चे हो तो अपना टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसके अंदर हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा स्पीशीज क्या होती है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कैसे जुड़ के ये सब लोग कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, खूब सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम जोड़ दो तो बायोम बनता है, बायोम्स कहाँ पे कैसे कैसे हैं, डेजर्ट बायोम क्या होता है, ग्रासलैंड बायोम क्या होता है, ऐसे टाइप के अपन ने बायोम्स पढ़कर फाइनली हमने समअप किया बायोस्फीयर क्या होता है ना। सो ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आज का एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, एंड एज सच एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, इतने को कोई एक्स्ट्रा गपड़ सपड़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक का नाम है मेजर अबायोटिक फैक्टर। पहले तो तुम वर्ड का मतलब समझो। देखो भाई, अपन ने क्या बोला, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से तो इंटरेक्ट कर ही रहे, पर आसपास के एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है जिनके बिना अपन जी नहीं सकते, उन पे अपन डिपेंडेंट है। तो अबायोटिक फैक्टर्स में अबायोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, अ का मतलब होता है नहीं, पहली बात। अगर हम देखें अ वर्ड का मतलब होता है नहीं, और बायोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? लिविंग। बोले तो जो भी एनवायरनमेंट में आसपास अपने चीज है जो कि लिविंग नहीं है वो अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यार अबायोटिक फैक्टर तो बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर हैं, पर कुछ तो होगा जो मेजर होगा। मेजर कहने का मतलब है जो तो बहुत हद तक आपका कौन कैसा ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलना चाहिए, कितना पॉपुलेशन होगा, कैसा टाइप का अडाप्टेशन होगा, सब डिसाइड करने वाले कुछ फैक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ना। तो उनमें से ही हम चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर से। भाई टेम्परेचर तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारी एनसीईआरटी कह रही है सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट कर्ता धरता, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ही कौन है? टेम्परेचर। तुम्हें देख लो यार, कौन सा मंथ चल रहा है अभी, अप्रैल है ना, अप्रैल में गर्मी, देखो गर्मी कितना कुछ डिसाइड करती है। अभी तुम्हें एक मज़ेदार बात देखो, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब अगर तुम दिन के 12 या 1 बजे बाहर निकलोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसा लगेगा तवे पे फ्राई हो रहे हैं अपन। तो आज जब मैं चल रही थी तो मैंने नोटिस किया कि जनरली क्या होता है, डॉगी लोगों को बहुत गर्मी लगती है ना। तो डॉगी लोग क्या करते हैं, अराउंड जनरल मेरा ऑब्जर्वेशन है, 1-2 बजे मुझे दिखते थे दिन के, 1-2 बजे मुझे दिखते थे कि वो पानी की टंकियों में कूद के खुद को ठंडा करते थे। आज मैंने नोटिस किया गर्मी इतनी बढ़ गई है कि अब वो मई जून नहीं, अप्रैल से वही चीज़ शुरू हो गई। तुम समझ रहे हो गर्मी कितना डिसाइड करती है तुम्हारे अंदर कैसा होने वाला है। अपन कूलर एसी तो अभी से चला के बैठ गए, हालांकि तुम्हें पता है ये गर्मी तो ग्लोबल वार्मिंग है, सीधी ग्लोबल वार्मिंग है ना। पर अब आते हैं टेम्परेचर डिसाइड क्या करता है। देखो टेम्परेचर हर जगह का अलग है। तुमने ज्योग्राफी पढ़ी थी बचपन में, आओ जरा ज्योग्राफी में तुमने ऐसे पढ़ा था कि यार जो हमारी ये अर्थ है ना, इसको अपन ने याद करो डिवाइड किया था काफ़ी सारे। अपन ने बोला था बीच में होता है इक्वेटर, फिर ऊपर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आर्टिक रीजन है ना, ऐसे डिवाइड किया था। नीचे अपन ने किया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक रीजन, तो तुमने उसको रीजन्स में डिवाइड कर दिया। और बेटा फिर तुम्हें याद होगा कि जो बीच का इक्वेटर रीजन है यहाँ पे आपका टेम्परेचर होता है हाई। देख लो यार तुम्हारा इक्वेटर रीजन वाली जितनी भी जगह कितनी ज़्यादा गर्म होती हैं है ना। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाओगे, जैसे अगर मैं सपोज करूँ इक्वेटर से यहाँ पर ऊपर जा रही हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिक रीजन। तो तुम्हें पता है आर्टिक रीजन बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, एक्सट्रीम। तो इक्वेटर आपका गर्म, गर्म से आप धीरे 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 ऊपर जा रहे हो, तो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते क्या होता जा रहा है, कम। तो हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि भाई जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो वैसे तो सीजनली वेरिएबल होता है, तुम्हें भी पता है गर्मी में एक अलग ही टेम्परेचर लेवल होता है, ठंड में टेम्परेचर लेवल अलग चल जाता है, बरसात में लेवल अलग रहता है, तो सीजनली वेरी करता है। प्लस अगर आप अर्थ को देखोगे ना, तो इक्वेटर के रीजन में टेम्परेचर क्या होगा, हाई। और जैसे जैसे तुम पोल की तरफ जाओगे, आर्टिक पोल एंड एंटार्क्टिक पोल, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हद से ज़्यादा कम। बोले तो यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा ठंड, और यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी। समझे भाई ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी का। चलो नेक्स्ट आते हैं। एनसीईआरटी कुछ
टेम्परेचर बता रही है तुमको, ठीक है। अब तुम सोचो कि क्या हमें टेम्परेचर याद करने, वैसे तो टेम्परेचर बहुत कॉमन सेंस वाले, पर बेटा इस चैप्टर में एक बात याद रखो, तुम एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ के रखो, यू नेवर नो कब कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए जिसके अंदर स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी के दिए हों, तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट तरीके से दिमाग में सेट रखो। देखो पहला वो बोल रहा है कि अगर आप पोलर रीजन या हाई एल्टीट्यूड्स में जाओगे, तुम्हें भी पता है यार पोलर रीजन में तो आपका ठंडा टेम्परेचर होता है, तो सब जीरो लेवल ही होगा ना, ठंडा तो बोले सब जीरो लेवल ही होना चाहिए। और हाई एल्टीट्यूड्स अपन ऊंची ऊंची जगहों पे चल जाते हैं, जाओ तुम मनाली वनाली रोहतांग पास ये सब जाओ, कैसा टेम्परेचर हो जाता है। उत्तराखंड में टेम्परेचर देखो कितना हो जाता है। हालांकि तुम्हें पता है ग्लोबल वार्मिंग का मजा सुनो, हाल फिलहाल उत्तराखंड में भी पंखे फुल पे चल रहे हैं, इतने मस्त फुल पे चल रहे हैं कि वहाँ पर भी ठंड जैसी कुछ चीज़ ही नहीं, ये है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट देखो ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये ट्रॉपिकल रीजन वाला जो एरिया इंडिया में अपने चलता है, वहाँ पे अपना टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 तो मैं क्या ये बोलूँ, अपन इससे रेंज पार जाने लगे हैं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है ना, ये देखो। फिर एक आती है कुछ अनइवन, बोले तो मतलब एकदम ही खतरनाक हैबिटेट्स, आप कह सकते हो कि ये एक्सट्रीम लेवल की जगह होती हैं। थर्मल स्प्रिंग, नाम से पता चल रहा है यार टेम्परेचर हद से ज़्यादा, हद ज़्यादा टेम्परेचर। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, चलो मैं तुम्हें थर्मल स्प्रिंग का बताती हूँ। तुम याद करो तुमने पीसीआर टेक्निक पढ़ी होगी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, याद आ रहा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीनेचुरेशन स्टेप है ना, उन्हीं स्टेप्स में से आपको रिक्वायर्ड था कोई एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो कि हाई टेम्परेचर पे काम करता हो, है ना। तो तुमने याद करो उसको एक बैक्टीरिया से निकाला था, थर्मस एक्वेटिकस। और थर्मस एक्वेटिकस की खास बात बोले तो यही थी कि वो हाई टेम्परेचर में रहना जानता है। तो तुम समझ रहे हो धरती पे भाई एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, हद ठंडा टेम्परेचर हद गर्म टेम्परेचर, एंड द ब्यूटी इज के ऑर्गेनिज्म आपको दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर पे मिलेंगे, और स्पेशली मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया भाई हद अजब अजब टेम्परेचरों पर मिलेगा आपका मोनेरा, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट आता है, ये देखो ये एक्सीड कर सकता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। चलो नेक्स्ट आप सारी लाइन एनसीईआरटी को कवर कर रही है, पहले इसको पढ़ाऊंगी फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे, आ जाओ। अब एनसीईआरटी कुछ अजीबोगरीब एग्जांपल दे रही है, कह रही है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, उन्हें होते क्या तुमने ऐसा देखा है टाइप, ऐसे फैक्ट्स बताए एनसीईआरटी ने। देखो मैंगो ट्री, मैंगो किसको पसंद नहीं है यार, मैंगो फलों का राजा है मैंगो, है ना। एनसीईआरटी कह रही है कि मैंगो कभी टेम्परेट कंट्रीज में नहीं ग्रो करता, क्या तुमने कनाडा या जर्मनी वालों को देखा है कि वो मैंगो उगा रहे हैं, नहीं। अब इसका आंसर आज के टाइम पे तो यार हम कुछ भी कहीं भी उगा सकते हैं, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात। अगर अपन देखें तो वैसे तो एप्पल कश्मीर में मस्त उगता है, पर आज अगर मैं चाहूँ तो उसको राजस्थान में भी उगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, पर हम बात करें नेचुरली, समझ लो। तो नेचुरली तुम्हें मैंगो का ट्री कैनेडा या जर्मनी जैसे टेम्परेट जगहों पर नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट स्नो लेपर्ड, नाम में भाई के स्नो है, क्या स्नो लेपर्ड जैसा बंदा ह्यूमिड केरला में घूमता हुआ दिखेगा तुमको, कतई नहीं दिखेगा। तो सेकंड एग्जांपल आपको ये दे रही है एनसीईआरटी। फिर कह रही है एक फिश है ट्यूना फिश, है ना। ट्यूना फिश कभी भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स जो होते हैं ना ओशन में उसके आगे नहीं मिलती, ठीक है, तो ये भी एक खास बात है। तो एनसीईआरटी आपकी कहना चाह रही है कि भाई अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का है ना कुछ अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी है। अब टेम्परेचर करता क्या है, क्यों मैं टेम्परेचर गाए जा रही हूँ तेरे से, ऐसा क्या कर देता है टेम्परेचर यार। देखो भाई तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है, देखो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है, तुम्हें पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन योर बॉडी। अब बेटा मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें टूटती हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कैटाबॉलिज्म। और तुम्हारी ही बॉडी में कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, नई नई बनती हैं, उसको तुम क्या बोल देते हो, एनाबॉलिज्म। तो बोले तो ये जोड़ना तोड़ना जैसा काम मेरी बॉडी में चलता रहता है, और उसी के ही सम टोटल को मैं बोल देती हूँ मेटाबॉलिज्म। बेटा इस जोड़ने और तोड़ने में कई प्रकार के एंजाइम्स यूज होते हैं, मल्टीपल एंजाइम्स विच आर बीइंग यूज्ड। उन एंजाइम्स को प्रॉपर काम करने के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी ने 11th क्लास में बोल रखा है
प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कम होगा, याद करो ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, लिंक करो तुम्हारे एनसीईआरटी का, ये मेरा टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले एंजाइम की एक्टिविटी स्लो रहती है, और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर तुम देखो तो भी एंजाइम मस्त काम नहीं करता। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट करेगा, बदले में एंजाइम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है तो वो इंसान की या ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगा। और अगर सोचो मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही बर्बाद तो मेरी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन बर्बाद। चलो एक एग्जांपल देती हूँ, सुनो, टेम्परेचर बर्बाद है ना, टेम्परेचर जैसे मैं हूँ मेरे को एक टेम्परेचर चाहिए, मेरी बॉडी को टेम्परेचर चाहिए। आपको पता है वैसे तो अपन तो चलो मेरे एग्जाम्पल ही लेते हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का लेते हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड है, मछली का ले लेते हैं, है ना, उसका टेम्परेचर कुछ होना चाहिए। जैसे सपोज करो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे उसके सारे एंजाइम मस्त काम करते हैं, ठीक। तुमने उठाया उसको पटक दिया 50 डिग्री सेल्सियस पे, अब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या उसके लिए यूजुअल है? नहीं। उसके एंजाइम्स काम करेंगे? नहीं। एंजाइम्स ढंग से काम नहीं करेंगे तो उसकी बॉडी में कुछ कुछ चीज़ें बननी होंगी, कुछ कुछ चीज़ें टूटनी होंगी, मेटाबॉलिज्म बर्बाद हो जाएगी, जिसके चलते उसकी बॉडी की सारी एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी एक्टिविटी क्या हो जाएंगी? बर्बाद। ये सब बर्बाद, इन शॉर्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन बर्बाद, और वो मछली मर जाएगी। तभी तो बेटा तुम देखते हो ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज बिगेस्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग मल्टीपल थिंग्स, समझे भाई। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ना दो कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक अपने वो दबंग गबरू जवान टाइप ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट यहाँ का पॉइंट है ये, जिससे क्वेश्चन बनता है। यूरीथर्मल क्या होते हैं ये भाई लोग? एक बहुत बड़ा टेम्परेचर झेल सकते हैं। आओ जरा मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ, इंसान ह्यूमन तुमको डेजर्ट एरिया में भी मिल रहा है, देख रहे हो ना तुम्हें अफ्रीका वाले लोग कितनी गर्मी में रह रहे हैं, फिर तुमने देखा होगा कनाडा, रशिया ऐसी जगहों पे भी रह रहे हैं, और अपन जैसे बंदा बंदियाँ जापान जैसी जगहों पे भी मिल जाते हैं, है ना, इंडिया जैसी शानदार जगह पे भी मिलते हैं। तो भाई इंसान बहुत फैला हुआ है, अक्रॉस द ग्लोब पूरा फैला हुआ है। तो यानी कि तुम ही हो वो जिसको बहुत ठंड भी टॉलरेट हो पा रही है। तुम्हें याद है ना सियाचिन वगैरह में भी अपने आर्मी वाले बंदे रहते हैं, तो बेटा रहते तो वो अपन जैसे लोग ही हैं ना, तो वो एक्सट्रीम ठंड में रह रहे हैं, वो इंसान ही एक एक्सट्रीम गर्मी वाले एरिया में भी रह रहे हैं, डेजर्ट वाले में। तो अपन एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रहे हैं, अपन यहाँ भी जिंदा मिल रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म एक वाइड टेम्परेचर रेंज को झेल सके ना, उसको हम बोलते हैं यूरीथर्मल। जैसे कि सीधा बात, ज़्यादा दिमाग में लगाना, आपके आ जाओ एनिमल किंगडम पे। एनिमल किंगडम में मैं तो आ रही हूँ डायरेक्टली वर्टिब्रेटा के परम पे। परम बोले तो कौन होता है? पीसे मछलियाँ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल। सीधा दिमाग लगाओ, देखो तुम्हें याद है मछलियों से लेके रेप्टाइल्स तक सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये तीनों जो होते हैं ना, दीज आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब समझते हो? कोल्ड ब्लडेड का मतलब है बाहर ठंड अंदर बर्बाद, बाहर गर्मी अंदर बर्बाद, कुछ रेगुलेट नहीं कर पा रहे, जैसा बाहर चल रहा है गो विद द फ्लो, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कोल्ड ब्लडेड। एक होते हैं वार्म ब्लडेड, जिसमें आते हैं आपके ये एव्स एंड मैमल्स। एव्स एंड मैमल्स किसमें आते हैं? वार्म ब्लडेड, दे कम अंडर वार्म ब्लडेड कैटेगरी। ये क्या होते हैं? बाहर गर्मी, बाहर सर्दी, बाहर कुछ भी हो, अपना टेम्परेचर अपन मेंटेन करेंगे, समझ रहे हो? एक होते हैं ये पलटू टाइप ऑर्गेनिज्म, बाहर कुछ भी चल रहा हो गो विद द फ्लो। अपन जैसे लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बाहर गर्मी है बाहर ठंड है, अपन पैसा खर्च कर रहे हैं बॉडी के अंदर, अपन ATP खर्च कर रहे हैं, और अपना टेम्परेचर जैसे अपन बात करें अपना नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो मैं उतना मेंटेन करूँगी चाहे मुझे उसके लिए भर भर के ATP क्यों ना खर्च करनी पड़े, पर मैं तो करूँगी। तो ज़्यादातर आपको ये जो मिलते हैं ना यूरीथर्मल, देखो मैमल्स एंड बर्ड्स ये यूरीथर्मल ही होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल पाते हैं, क्योंकि बेटा ये एक्सट्रीम ठंडक, एक्सट्रीम गर्मी,
ये पैसा खर्च करेंगे पर दोनों ही टेम्परेचर में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। समझे मेरी बात? आओ जरा नेक्स्ट पे। स्टीनोथर्मल टाटा फिश वाले ऑर्गेनिज्म कुछ छोटी छोटी रेंज में झेलने लायक ही होते हैं। जैसे ये बोले तो अपन किसको ले, पोलर बियर को लेते हैं। आओ तो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है यार, ये 2-3 साल पहले की बात है, जो मुंबई है, मुंबई के अंदर पोलर बियर का छोटा बच्चा लाया गया था, 1 या 2 बच्चे लेकर आए थे, उनको शानदार टेम्परेचर देने की कोशिश की उन्हीं के जैसा, तब भी वो इतना मस्त तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे, समझ लो। तो क्या तुमने पेंगुइन को आपकी गलियों में घूमते हुए देखा? नहीं। कैंगरू को तुम्हारे एरिया में घूमते हुए देखा? नहीं। क्या तुमने समझ लो तो मेरे एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिज्म किसी किसी जगह मिलते हैं, ये पेंगुइन, बहुत सारे एम्फीबियंस होते हैं, अलग अलग टाइप के एम्फीबियंस इंसेक्ट्स कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं, क्योंकि बेटा इनका एक बहुत ही कम एरिया है, ये बहुत ही चिरकुट ऑर्गेनिज्म है, जरा सी टेम्परेचर रेंज में ही रह पाते हैं, जरा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ बेचारे टैम बोल जाते हैं। तो स्टीनोथर्मल जो होते हैं दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ना इधर जी पाएंगे ना इधर जी पाएंगे, अपन तो बस इतने से एरिया वाले टेम्परेचर जोन में ही जी पाएंगे। और आप देख लो एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, हालांकि पेंगुइन बर्ड है, मैंने ये नहीं बोला कि सारे बर्ड्स ही आपके यूरीथर्मल हैं, है ना, पर आपके मेजॉरिटी मैमल्स एंड बर्ड क्योंकि होमियोथर्म्स बोले तो वार्म ब्लडेड होते हैं, इसलिए टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं, और ज़्यादातर आप देखना कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आपके स्टीनोथर्मल में चल जाएंगे, ठीक है। प्लांट भाई, प्लांट कितने स्पेसिफिक होते हैं यार, इनकी तो धजियाँ लग जाती हैं, इनको टेम्परेचर फिक्स चाहिए। अब ये स्टीनोथर्मल है कि यूरीथर्मल है, यही डिसाइड करता है इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तुम देख लो ना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पेंगुइन आपको पोल्स पे ही मिल रहा है ना, आपको पोलर बियर पोल पे ही मिलेगा, कभी तुमने देखा पोलर बियर घूमता घूमता इक्वेटर पहुंच गया? नहीं ना। तो उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स हो गया उसके टेम्परेचर झेलने की क्षमता पर। क्लियर विद द टॉपिक? चलो लेट्स रीड विद द एनसीईआरटी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज टेम्परेचर वेरी करता है सीजनली, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे या प्लेन से माउंटेन के टॉप पे जाओगे, हमें पता है। पोलर एरिया का सब जीरो टेम्परेचर है, हाई एल्टीट्यूड्स का भी जीरो, मतलब ठंडा ठंडा इन्वायरमेंट रहता है। फिर आप ट्रॉपिकल डेजर्ट तक चल जाओ, 50-50 डिग्री तक चला जाएगा। फिर आप एक्सट्रीम में चले जाओ, यूनिक हैबिटेट बोले तो थर्मल स्प्रिंग, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, यहाँ पे टेम्परेचर भाई साहब 100-100 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। देखो नेक्स्ट आओ, वो बोल रहा है फन फैक्ट्स, क्या मैंगो कैनेडा या जर्मनी जैसी टेम्परेट कंट्री में देखा है? नहीं। क्या स्नो लेपर्ड जैसा स्नोई बंदा केरला की गंदी ह्यूमिड जगह पे मिलेगा? नहीं। ट्यूना फिश जैसी मैडम ट्रॉपिकल एरिया लैटिट्यूड के ओशन के इसके पार मिलती ही नहीं है। क्या करता है ये टेम्परेचर? एंजाइम अफेक्ट करता है। एंजाइम बदले में क्या अफेक्ट करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी तुम्हारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट करता है ना, और अगर ये सारी चीज़ें बर्बाद तो तुम्हारा ओवरऑल जिंदा रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल सको तो यूरीथर्मल, छोटा छोटा नैरो एरिया झेल सको तो स्टीनोथर्मल हो जाओगे, है ना। इसी के बेसिस पे तुम्हारा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बोल रहा है कुछ यूरीथर्मल या स्टीनोथर्मल एनिमल और प्लांट के एग्जाम्पल सोचो, मैंने तो तुम्हें बता ही दिया सारा का सारा। आगे आओ, एनसीईआरटी एक लास्ट में लाइन लिख के जा रही है, रीसेंट ईयर में भाई टेम्परेचर बढ़े जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोल दिया था ग्लोबल वार्मिंग बहुत बहुत बड़ी परेशानी है ये जो है, समझ रहे हो। अगर अपन टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाए ना तो बेटा वो टाइम भी दूर नहीं है जब धरती माता ख़त्म हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, अपनी साइड से छोटे छोटे स्टेप हमें लेने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को बचाने के लिए। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वाटर, लेट्स स्टार्ट। अब हमारी एनसीईआरटी कह रही है पानी के लिए कि देखो यार, वैसे प्रैक्टिकली देखें ना तो हमारे दिमाग में पहला फैक्टर हमें पानी लगता है ना, पर एनसीईआरटी कह रही है नो, पहला टेम्परेचर है, सेकंड वाटर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कभी चलते फिरते तुमसे लाइन में पूछ ले
और तुम्हारा दिमाग कन्फ्यूज ही आ जाए कि तुमने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है ना। सो याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पानी। तो भाई सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका क्या है जो कि लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाला है, वो है पानी। तुम्हें पता है तुम सारे के सारे एवोल्यूशन पढ़कर आए हो, एवोल्यूशन की बहुत ही तगड़ी हिस्ट्री पढ़कर आए हो, ओपेरन एंड हेल्डन थ्योरी पढ़कर आए हो। ये तो तुम भी मानते हो कि जीवन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पानी से। तो भाई पानी के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, धीरे 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 करते 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 अपन कहाँ पर आ गए, लैंड पे। और लैंड पे लाइफ आने में बहुत टाइम लगा है, कोई कोई मजाक नहीं है, बहुत बहुत टाइम लगा है ना। नेक्स्ट ऑप, एनसीईआरटी कह रही है कि यार डेजर्ट एरिया जो है, डेजर्ट एरिया तो जानते हो बहुत ही मतलब गंदा, गरम गरम, बिल्कुल पानी की कमी। तो यार यहाँ पे पानी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। इतना कम पानी क्या एक ऑर्गेनिज्म नॉर्मली जिंदा रह सकता है? आंसर है नहीं। तो बेटा ऐसे हैबिटेट्स में रहने के लिए, तुम समझ रहे हो, किसी भी जगह पे रहने के लिए तुम्हें कुछ फीचर्स तो डेवलप करने पड़ सकते हैं। अब फीचर डेवलप का मतलब ये नहीं कि आज मैं जाकर डेजर्ट में रहने लग जाऊँ तो मेरे अंदर फीचर डेवलप हो जाएंगे। तुम्हें समझना पड़ेगा टाइम के साथ साथ, तुम्हें भी पता है अपन ने पढ़ा था ना, नेचुरल सेलेक्शन होता जाता है, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट एंड मस्त मस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट, यही तो है आपका नेचुरल सेलेक्शन, धीरे धीरे एवोल्यूशन करता जाता है। तो बेटा किसी भी जगह पे हैबिटेट में रहने के लिए ऑर्गेनिज्म कुछ फीचर डेवलप करता है विद टाइम, और वो फीचर नेचुरल सेलेक्शन के थ्रू ही पास ऑन भी होते जाते हैं उसके जनरेशन। वो फीचर्स उसको हेल्प करते हैं उस जगह पे जिंदा रहने के लिए, ना सिर्फ जिंदा रहने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। भाई जिंदा रहेगा तभी तो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा तो बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे तभी तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी उस जगह पे। सो उन फीचर्स को हम बोलते हैं अडैप्टेशन। तो स्पेशल अडैप्टेशन रिक्वायर्ड है डेजर्ट एरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप, अब देखो ऑब्वियसली बात है दिमाग में आएगा पानी का दिक्कत डेजर्ट वालों को है, जो पानी में रहता है उन भाइयों का क्या हाल चाल है। हमें लगता है यार पानी वाले ऑर्गेनिज्म, इस बेचारे को पानी की तो क्या ही दिक्कत होगी, पर पानी वाले ऑर्गेनिज्म भी बेचारे पानी से परेशान हैं। उनको क्वालिटी मैटर करती है, तुम्हें लगता है क्वांटिटी मैटर करती है, पर नहीं, पानी की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। बेटा हर एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कुछ पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए बना होता है, उसको प्रॉपर पीएच चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर केमिकल कॉम्पोजिशन चाहिए। अगर ये हिल जाता है ना तो बेचारे का सिस्टम हिल जाता है, और सिस्टम हिल जाता है तो फिर तुम समझ ही रहे हो मर जाता है। अब नेक्स्ट हमारा डेटा एनसीईआरटी कह रही है कि यार सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं मेजर कर रही हूँ तो उसको हम बोलते हैं सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम मेजर करते हैं सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड। सैलिनिटी समझ रहे हो ना, नमकीन पना, पार्ट्स पर थाउजेंड में मेजर करते हैं। अब यार तुम्हें पता है इनलैंड वाटर ऑलमोस्ट आपका ऐसा पानी जो कि फ्रेश वाटर की तरफ जा रहा है, इसमें सैलिनिटी कम होगी है ना। जैसे जैसे आप सी की तरफ जाओगे सैलिनिटी ज़्यादा होगी। और हाइपर सेलाइन लगून, नाम से पता चल रहा है यार, हाइपर सेलाइन, हाइपर का मतलब होता है हद ज़्यादा, सेलाइन हद नमकीन। तो आपको याद रखना पड़ेगा इनलैंड वाटर का सैलिनिटी लेस देन 5, सी का 30 से 35, हाइपर सेलाइन लगून का इवन मोर देन 100। आसान है डेटा, कोई कोई बड़ी बात नहीं। दोबारा सुनो, इनलैंड वाटर का 5, सी का 30 से 35, हाइपर सेलाइन लगून का इवन मोर देन 100 जा सकता है। इससे आराम से डेटा से ना क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन ईजिली बन सकता है। आओ नेक्स्ट, अब वही कितना पानी का क्या खेल तुम झेल सकते हो। देखो भाई अगर तुम वाइड रेंज की सैलिनिटी, बहुत नमकीन और बहुत कम नमकीन सब में सर्वाइव कर पा रहे हो, यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म, या तुम कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ सैलिनिटी झेल पा रहे हो, नहीं भैया इतना ही नमकीन झेल पाएंगे, इससे ज़्यादा ना झेल पाएंगे, हम तो मर जाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या हैं, स्टीनो हेलाइन। वही देखो क्या लिख रहा है, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी यूरी हेलाइन, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी स्टीनो हेलाइन। एग्जाम्पल सुनो, सैलमन मछली, सैलमन मछली नाम तो सुने होगा तुमने, ईल्स वगैरह, ये उतनी है आपकी यूरी हेलाइन, ठीक। सी टर्टल, नाम से पता चल रहा है भाई बंदा अपना सी के अंदर ही सर्वाइव करने में बेस्ट है, हो गया ना 30 से 35 सैलिनिटी की रेंज में ही जिंदा रह सकता है, तो ये भाई आपका स्टीनो हेलाइन है। गोल्ड फिश, गोल्ड फिश वो जो तुम रखते हो
सबसे ज्यादा अपन एक्वेरियम में गोल्ड फिश ही तो रखते हैं, तो तुम्हें याद है जब तुम गोल्ड फिश खरीद के लाते हो तो वो दुकान वाला तुम्हें बताता है इतना ही पानी चेंज करना, इतना ही आपका नमक का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, सब बातें बताई जाती हैं मछलियों के लिए, है ना, इतनी बारी खाना देना। तो बहन ये कौन सी फिश है? स्टीनो हेलाइन, ठीक है। अब आओ, अब एक मस्त डेटा, जितने भी आपके ये जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है ना, फ्रेश वाटर फिशेज, जैसे मैं फिश हूँ, मैं फ्रेश वाटर में रह रही हूँ, ताज़े पानी में। भाई अब आ जाओ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पे। बेटा यार फ्रेश वाटर के अंदर पानी बहुत सारा है, सॉल्ट कम है, है ना, उसमें मैं रहती हूँ तो कंपैरेटिवली मेरे अंदर, ध्यान से समझना, मेरे अंदर बाहर के कंपैरिजन में सॉल्वेंट क्या होगा? लो। बोले तो मेरे अंदर पानी बाहर के कंपैरिजन में तो लो होगा, है ना, और बाहर के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेशन वाइज, दिमाग लगाना, बहुत सारे बच्चे पता है कैसे बोलते हैं, उतना सारा पानी है उसके कंपैरिजन में कहाँ से ऐसा हो जाएगा। बेटा बेटा सरफेस टू वॉल्यूम रेशो के हिसाब से अगर मैं मछली पानी में रह रही हूँ, मेरे आसपास फ्रेश वाटर है तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, मेरे अंदर कंपैरेटिवली कम है। सॉल्ट का उस जगह पे, हालांकि वो एरिया बड़ा है पर कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के अकॉर्डिंग मेरे अंदर सॉल्यूट, बोले तो नमक क्या होगा? ज़्यादा। अब तुम्हें पता है पानी यहाँ पर तो क्या हो गया? हाई। पानी अंदर क्या हो गया? लो। तो बेटा पानी कहाँ से कहाँ आने की कोशिश करेगा? बाहर से अंदर। अंदर तुम्हारे पास सॉल्यूट, बोले तो आयंस की बात चल रही है, तुम्हारे पास आयंस अंदर ज़्यादा हैं, बाहर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। तो आयंस दीवाने होकर बाहर जाने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चा किडनी पढ़ के बैठा है उसको ये बहुत अच्छे से समझ रहा है कि पानी और सॉल्ट, और आई कुड से पानी और आयंस का बहुत ज़्यादा ही चक्कर है। पानी आयंस का दीवाना, आयंस पानी का दीवाना, है ना, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, हाई टू लो। तो बेटा अगर इमेजिन करो इस बहन में पानी भरता जाए तो ये बहन तो फूल के गुप्पा हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, है ना, मतलब तुम समझ रहे हो ना, एकदम ऐसी हो जाएगी, तो क्या ये जिंदा रह पाएगी? नहीं। तो इसको अगर इस पानी में सर्वाइव करने का है तो कुछ अडेप्टेशन करनी पड़ेगी। तो इस बहन ने क्या किया, याद करो ज़्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ना जो नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालते हैं वो होता है अमोनिया, है ना, तुम्हें याद है अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हद टॉक्सिक चीज़ को पानी ज़्यादा मिलाकर फेंकना पड़ता है। ये कहती है हमारे आसपास पानी ही पानी, मेरे अंदर पानी अंदर आया जा रहा है, तो मैं अगर जिंदा रहना चाहती हूँ तो मुझे पानी निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो बेटा ये क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं, खूब सारे पानी में डिसॉल्व करते हैं और बाहर फेंकते जाते हैं। तो पहला अडेप्टेशन इनने क्या किया, ये बहुत लार्ज क्वान्टिटी में यूरिन बनाते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब सीधा है, अमोनिया टॉक्सिक वेस्ट है इनका, खूब सारे पानी में घोलो और निकाल दो। इनफैक्ट भाई ये इतना निकाल सकते हैं कि अपनी बॉडी सरफेस, एनसाइटिक लाइन है, अपनी बॉडी सरफेस और गिल्स वाले एरिया से भी बाहर निकाल सकते हैं, इनको किडनी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा मतलब समझ लो ना तुम, इनका अमोनिया का खेल है। नेक्स्ट हम, इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं आयनोसाइट्स, आयनोसाइट्स आयन साइट बोले तो सेल। ये ऐसी सेल होती हैं जो कि पैसा खर्च कर करके बाहर से आयन खींच खींच के अंदर लाती हैं, अंदर आओ अंदर आओ अंदर। जितना ज़्यादा अंदर आयन रहेगा तभी तो थोड़ा बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि आयन बावड़े तो बाहर निकल निकल के भाग रहे हैं, तो आयनोसाइट उल्टा पैसे खर्च करके और आयन्स अंदर खींचती है। तो बेटा अगर तुम सपोज करो इसको उठा के फ्रेश वाटर वाली को सी वाटर में डाल दो, इस बिचारी का क्या हाल होगा? सोचो, तुम सोचना, तुम्हें जो भी मैंने पॉइंट्स बताए तुम सोचना, और सोचना इसके साथ क्या होएगा। नेक्स्ट आओ, चलो अगर मैं सुचवाती हूँ, सुनो, रेगुलर कंडीशन में इसकी बॉडी पानी निकालने वाली है ना। अब तुम देखो अगर ऐसी मछली को मैं पटक दूँ सॉल्ट वाटर में, बेचारी ऑलरेडी ज़्यादा पानी निकाल रही है ना, बाहर है सॉल्टी वाटर, गड़बड़ भाई। अभी तक तो बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होता था, सॉल्टी वाटर में बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सोचो ऐसी बंदी आयनोसाइट सेल्स को चला चला के सॉल्ट अंदर दबाती जाए, कितना गड़बड़ बेचारी मरमुरा जाएगी, समझ रहे हो तुम। चलो नेक्स्ट आते हैं मरीन फिशेस का थोड़ा उल्टा खेल है, इसको समझते हैं। देखो अब तुम सिचुएशन इमेजिन करो, मेरे आसपास नमकीन पानी है ना, ठीक है नमकीन पानी है ना,
नमकीन पानी में ऑब्वियसली बात है यार, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? काफी ज्यादा। मेरे अंदर उसके कंपैरिजन में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम। देख लो भाई, सल्यूट अंदर लो है, बाहर हाई है, है ना? पानी ऑपोजिट कर लो, जहाँ पे लो है कंपैरेटिवली यहाँ पे सॉल्वेंट अंदर हाई होगा और बाहर कंपैरेटिवली लो। अब तुम ये मत कहना समुंदर में भी, मरीन हैबिटेट में पानी की कमी है क्या? भाई भाई भाई, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से, ठीक है? अब मेरे अंदर सॉल्ट कम है, बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, पानी है सॉल्ट्स का दीवाना, पानी है सॉल्यूट आयंस का दीवाना, पानी भर भर के बाहर जाएगा, भर भर के, इतना भर भर के कि बोले तो ये मछली पिचक जाएगी। ये ऐसी तुम्हें मोटी मोटी दिख रही है ना मछली, ये यूं 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 ऐसे पिचक जाएगी बेचारी। देखो क्या हाल कर दिया मैंने इसका, तो है ना? ऐसा चाहते हो कि तुम ऐसे देखते हो कि यार मरीन फिशेस ऐसे पिचकी हुई सी, मरी हुई सी करके घूम रही है? ऐसा नहीं। क्यों? सुनो, इनने क्या अडेप्टेशन किया, इनने बोला पहला दिमाग लगाओ, अपन का नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया बनाओ। तुम्हें पता है ना, यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में लेस सल्यूबल होता है। जो चीज़ लेस सल्यूबल है वो एकदम से उठ के नहीं भागेगी बाहर, उसको आप रिटेन कर सकते हो। रिटेन करने का मतलब समझ रहे हो, अंदर तुम रख सकते हो उसको। तो भाई इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया, उन्होंने ऐसा अडेप्ट किया कि ये यूरिया को रिटेन रखते हैं। इनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। याद आ रहा है, यूरिया के नाइट्रोजनस वेस्ट में तीन मैमल्स बोले तो अपन, लैंड एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस, याद आ रही है? तो बेटा ये यूरिया रिटेन रखती है, और यूरिया रिटेन रहेगा तो पानी तो ठरकी किस्म का है ही, वो यूरिया के कारण थोड़ा सा अंदर रहेगा। तुम समझो, देखो यार, पानी कुछ ऐसा इंसान है, आई एम सो सॉरी, कुछ ऐसा मतलब समझ लो ना तुम, ऐसा टाइप का कॉम्पोनेंट है, बंदे को हद प्यारे आयंस से, है ना? तो तुमने क्या किया, उसको बाहर का लालच ना देते हुए अंदर भी थोड़ा लालच दे दिया। तुम्हें अगर मैं घर ही घर में सेटिस्फेक्शन दे रही हूँ तो तुम घर में रहोगे ना यार, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ये सॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा है बाहर, है ना? बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ भाइयों में सॉल्ट अंदर एंटर भी करता है, हाइट उल हो जाएगी ना चीज़, तो बाहर सॉल्ट ज़्यादा अंदर कम, पानी को देखा देख वो सॉल्ट भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो ये लोग सॉल्ट उठा उठा के बाहर फेंकने लग जाते हैं। तो उल्टा है, उल्टा है, मरीन फिशेज में से पानी निकल रहा है, फ्रेश वाटर फिशेज में पानी घुस रहा है। तो बेटा अगर मैं इन दोनों का हैबिटेट बदल दूं तो क्या ये जिंदा रह पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, मर जाएंगी। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी यही करिए कि भैया बहुत सी फ्रेश वाटर एनिमल जो होते हैं ना, ये सी वाटर में नहीं रह सकते, सी वाटर वाले फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। क्यों भाई? क्योंकि इन्हें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम है। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। अब तुम खुद ही इमेजिन करोगे कि अगर तुम एक मरीन फिश को फ्रेश वाटर हैबिटेट में डालोगे, लिख के देखना, बना के देखना, तो तुम्हें क्या क्या लगता है उसको दिक्कत आएगी, और जो भी उसको दिक्कत आएगी ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो आओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? वाटर एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पता है हमें, अर्थ ओरिजिनेट वाटर में हुई थी, अर्थ के बिना जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, पानी की अवेलेबिलिटी डेजर्ट में बड़ी कम है, तो जिंदा रहना चाहते हो तो वहाँ पे अडेप्टेशन करनी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी प्लांट की डिपेंड करती है पानी पे। भाई हर जगह पे पानी के अकॉर्डिंग प्लांट्स होते हैं ना, जैसे चावल को बहुत पानी चाहिए, मेज को कम पानी चाहिए, कॉटन को कम पानी चाहिए, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट देखो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को पानी की केमिकल कॉम्पोजिशन पीएच वगैरह बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे मेजर करते हैं? सेलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000, इनलैंड वाटर का 5, सी वाटर का 30 से 35, हाइपर सेलाइन लगून मोर देन 100, हो जाएगा याद। नेक्स्ट जॉब, ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा सेलिनिटी झेल सके यूरीहेलाइन, नैरो झेल सके स्टीनोहेलाइन, ठीक। फ्रेश वाटर एनिमल्स सी वाटर में नहीं रह पाते, सी वाटर फ्रेश वाटर में नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है ये ऑस्मोटिक प्रॉब्लम? वो जो प्रॉब्लम जो मैंने तुम्हें ऊपर समझाई डिटेल में, वही ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होती है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आ जाओ भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइट। लाइट देखा जाए ना, लाइट और टेम्परेचर बहुत क्लोज है, समझो तुम, क्योंकि अल्टीमेटली सन ही वो सोर्स है जो कि टेम्परेचर और लाइट दोनों डिसाइड कर रहा है, समझ लो। अब पहली चीज तो
धरती के महान प्राणी प्लांट्स जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को यूज करते हैं। भाई सूरज है तो लाइट है, लाइट है तो फोटोसिंथेसिस है। अब यार एक फोटोसिंथेसिस का ही टॉपिक मैंने डाल दिया स्पेक्ट्रम। तुम्हें पता है तुम फिजिक्स में स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, यूवी विजिबल इंफ्रारेड। प्लांट्स ना यूवी यूज कर पाते ना इंफ्रारेड यूज कर पाते, वो सिर्फ कौन से यूज कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली विजिबल रीजन। बेटा विजिबल रीजन में वेवलेंथ कितनी होती है एग्जैक्ट देखी जाए तो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होती है एग्जैक्ट देखी जाए तो, है ना। बट हमारी एनसीईआरटी कह रही है 400 नैनोमीटर से 700, तो तुमको क्या याद करना, एनसीईआरटी याद करना। इस 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में 7 कलर आ जाते हैं, तुम्हें बचपन से याद है विबग्योर, वायलेट से लेकर रेड तक, है ना। अब तुम ध्यान से देखो, जो आपका सनलाइट है, सूरज भाई साहब का लाइट बहुत सारा गिरता है, बहुत सारा गिरता है, पर उसमें से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन बोले तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जा सके वो सिर्फ उस पूरी सोलर रेडिएशन का 50% होता है। ये फोटोसिंथेसिस टॉपिक की लाइन है। क्या बोला मैंने, पूरा सनलाइट गिर रहा है, पूरे सनलाइट को तुमने बोल दिया सोलर रेडिएशन, उसमें से लेस देन 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन है जिसको आप फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें से भी हमारे प्लांट भाई लोग 2 से 10% ही यूज कर पाते हैं। प्लांट सिर्फ इतना सारा प्लांट है, इतना सारा, उसमें से सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं, और वो 2 से 10% ही है जिसके कारण धरती चल रही है। मतलब क्या मजाक हो रहा है यार, 100% गिर रही है, 50% से लेस PAR है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, उसमें से भी प्लांट सिर्फ 2 से 10 ही ले रहे हैं, है ना, और उसी से धरती चल रही है, क्या मजेदार बात है। नेक्स्ट, अब आओ तुम इमेजिन करो अमेजोन का घना जंगल। भाई यार अमेजोन के जंगलों में ना बड़े 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 ट्रीज होते हैं और जमीन पे छोटे छोटे से हर्ब्स श्रब्स भी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं। भाई लोग इतने नीचे और इतने छोटे होते हैं कि बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं ना उनको घेर के बैठे होते हैं, मतलब जगह ही नहीं है भाई, जगह ही नहीं है। इमेजिन करो ठुस्सम ठुस्सी मची पड़ी, इतने इतने प्लांट्स हैं यहाँ पे, इतने 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 इतने, है ना। तो बेटा ये जो लोग हैं ना बेचारे छोटे वाले ऑर्गेनिज्म, इन बेचारों को तो इतनी सफिशेंट सनलाइट ही नहीं मिलेगी कि ये मस्त सनलाइट ले सकें, तो इनने बहुत छोटे प्लांट्स ने खुद को अडेप्ट कर रखा है कि ये कम लाइट पे भी फोटोसिंथेसिस कर सके। देखो यही बोल रहा है, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, स्मॉल प्लांट जैसे कि हर्ब श्रब, इनको बड़े बड़े कैनोपी ट्री, कैनोपी बोले तो वही पूरा का पूरा ऐसा फैला हुआ ट्री, ये ओवरशैडो कर लेता है, फिर ये खुद को अडेप्ट करते हैं कम 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 लाइट में भी जिंदा रखने के लिए, है ना। और कुछ कुछ, अभी तो तुम मज़ेदार एग्जांपल भी पढ़ोगे, कुछ कुछ तो पेड़ पौधों के ऊपर ही चढ़ चढ़ के लाइट लेने लग जाते हैं, पढ़ेंगे हम ऐसे एग्जांपल भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट्स को लाइट फोटोपीरियडिज्म के लिए भी चाहिए होती है। याद करो तुमने पढ़ रखा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, 3 टाइप के प्लांट्स फ्लावरिंग पैटर्न 3 होता है, डे न्यूट्रल प्लांट याद आ रहा है, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स याद आ रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा लाइट पे डिपेंड करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स को एक पर्टिकुलर लाइट से कम लाइट चाहिए होती है, लॉन्ग डे प्लांट्स को एक पर्टिकुलर लाइट से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, डे न्यूट्रल प्लांट्स को घुइयाँ फ़र्क नहीं पड़ता लाइट से। पर बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है जिससे फ्लारिंग डिसाइड हो रही है उसी को हम फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं, तो लाइट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अब क्या प्लांट इफेक्ट होते हैं, एनिमल इफेक्ट नहीं होते, होते। सुन, एनिमल्स के अंदर लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है, लाइन दे रखी है, डायूरिनल एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी। डायूरिनल का मतलब है डे नाइट, ठीक है। सीजनल वेरिएशन, ठंड में तुम देखते हो ना छोटा छोटा दिन होता है बड़ी बड़ी रातें, गर्मी में बड़े बड़े दिन छोटी छोटी रातें, क्या ऐसा सच में होता है, नहीं, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना वो। तो उसके बेसिस पे बेटा ये खाना पीना भाई लोग ढूंढते हैं, समझ रहे हो, फॉरेजिंग का मतलब खाना पीना। तुम्हें पता है ना सीजन के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करते हैं। माइग्रेटरी एक्टिविटी, अपनी एनसीईआरटी ने दे रखा है कि भाई जो अपनी वो है ना साइबेरियन क्रेन्स वगैरह,
बहुत ठंड में तो रहती हैं, वैसे भी बहुत ठंड में रहती हैं, पर बेटा जब इनकी लाइट इंटेंसिटी बिगड़ने लग जाती है, इनको लगता है कि यार अब ना हो पाएगा, तो ये उड़ उड़ के राजस्थान आ जाती हैं। तो ये माइग्रेटरी एक्टिविटी, ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैंने यही बोला है। तो कहने का मतलब है लाइट बहुत ज़रूरी फैक्टर है, समझो। आखिरी बात, तुम्हें पता है प्लांट किंगडम पढ़े हो, एल्गी के अंदर 3 टाइप का पार्ट्स होता है, रोडोफाइसिया, फियोफाइसिया, क्लोरोफाइसिया। बोले तो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, है ना। अब देखो इनमें से एनसीईआरटी पूछ रही कौन सा डीपेस्ट है, तो बेटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे, आसान है। ग्रीन एल्गी ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलती है, तुम्हें ऊपर ही ऊपर दिखती है, काई हमेशा ऊपर ही ऊपर दिखती है, तो ये आपको हमेशा ऊपर, ग्रीन एल्गी ऊपर मिलेगी। ब्राउन एल्गी मिडिल में, बीच बीच में मिलती है। रेड एल्गी बेटा सबसे ज़्यादा डीप में मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है, फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट। ये तुम्हें याद होना चाहिए, फाइको इरिथ्रिन। कैसे याद करोगे, मैंने पहले ही बताया था, इरिथ्रो वर्ड आरबीसी में भी यूज होता है, इरिथ्रो वर्ड से ही तुम्हें रेड एल्गी याद आ जानी चाहिए। तो फाइको इरिथ्रिन, रेड एल्गी। भाई इनके अंदर लाइट, तो देखो लाइट पूरा गिरती है, लाइट आपका विबग्योर से गिरेगी, है ना, पर बेटा सबसे डीप में, सबसे डीप में सारी लाइट जा नहीं पाती। ब्लू वाला जो स्पेक्ट्रम है ना, वो सबसे डीप में जाता है और ये वही एब्जॉर्ब करती हैं। तो सबसे नीचे ही नीचे आपको कौन मिलते हैं, रेड एल्गी। क्लियर? आ जाओ भाई एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। लाइट, प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, स्मॉल प्लांट खुद को अडेप्ट करते हैं, बेचारे बहुत छोटे हैं, सब बहुत उनको ऊपर से घेर लेते हैं, तो लो लाइट कंडीशंस के लिए खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। ये फोटो पीरियडिज्म के लिए भी लाइट बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स के अंदर डाइयूरिनल एंड सीजनल वेरिएशन लाइट की, फोरेजिंग खाने पीना डिसाइड करती है, रिप्रोडक्शन डिसाइड करती है, माइग्रेशन डिसाइड करती है। नेक्स्ट, लाइट की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं टेम्परेचर और लाइट दोनों ही सन पे डिपेंडेंट है, पता है अपन को। नेक्स्ट, डीप में जाओगे ओशियन में तो एनवायरमेंट बहुत डार्क होता है, ऑब्वियसली बात है यार, कोई उजाला थोड़ी होगा वहाँ पे। नेक्स्ट आओ ये लाइन पढ़ लेते हैं, स्पेक्ट्रल क्वांटिटी सोलर रेडिएशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूवी कंपोनेंट बहुत हार्मफुल है, पता है अपन को। सारे कलर कंपोनेंट विजिबल स्पेक्ट्रम के सब जगह पे अवेलेबल नहीं होते मरीन हैबिटेट में, पता है हमको। फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन डीपेस्ट है, आंसर क्या बोलोगे, रेड एल्गी। ऊपर ही ऊपर क्या मिलेगा, ग्रीन एल्गी। बीच में क्या मिलेगा, ब्राउन एल्गी। रेड नीचे क्यों है, क्योंकि उसके पास पिगमेंट फाइको इरिथ्रिन है, फाइको इरिथ्रिन ब्लू स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करना जानता है, ब्लू स्पेक्ट्रम ही भाई नीचे नीचे तक पहुंच पाता है। आई थिंक वी आर क्लियर विद लाइट। लास्ट टॉपिक सॉइल, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सॉइल में तो मैंने ज़्यादा पंचायती लिख रखी, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं लिख रखा। सुनो, सॉइल अपर मोस्ट लेयर होती है, सबको पता है यार, वेदरिंग के थ्रू फॉर्म होती है। वेदरिंग क्या होता है तुम्हें पता है, सुनो, बहुत टाइम से बड़े बड़े पहाड़ वगैरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉइल बनना, बड़ा लंबा प्रोसेस, वही वेदरिंग कहलाता है। सॉइल भाई 3 टाइप की होती है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, स्लिट सॉइल। सबसे बेस्ट कौन सी होती है, लोमी सॉइल। बहुत सी प्रॉपर्टी होती हैं प्लांट सॉइल की, वो अलग अलग जगह पे अलग होती है, तभी तो सब जगह की सॉइल अलग अलग होती है। देखो भाई किस पर डिपेंड करती हूँ, क्लाइमेट कैसा है सब जगह पर, वेदरिंग पैटर्न कैसा रहा, सॉइल कितनी डेवलप हो पाई, उसी के बेसिस पे तो सॉइल होती है। डेजर्ट एरिया में जैसे सैंडी सॉइल होती है ना। नेक्स्ट बेटा, सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई है कि सेडिमेंट्री है, कहने का मतलब है किसी और जगह से सॉइल इरोजन हो के आई है कि वहीं पर ही बनी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। परकोलेशन, परकोलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे सॉइल की लेयर्स है, इसमें पानी कितना डीप तक एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज परकोलेशन। और डीप में एब्जॉर्ब होने के बाद कितना पानी होल्ड कर पा रही है, समझ लो। एक तो सैंडी सॉइल, परकोलेशन हुआ नीचे नीचे, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। लोमी सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया होती है। तो बेटा ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, कैसा टाइप का सॉइल का कॉम्पोजिशन है, ऑब्वियसली बात है, ह्यूमस कॉन्टेंट अच्छा होगा तो सॉइल बढ़िया होगी, है ना। ग्रेन साइज, मोटा मोटा साइज होगा पानी निकल जाएगा, छोटा छोटा होगा पानी फंसेगा। एग्रीगेशन क्या है सॉइल की, पीएच क्या है सॉइल का, भाई पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तुम समझ रहे हो। पीएच मतलब समझो, पीएच ही बहुत लो है, सॉइल सूटेबल नहीं होगी प्लांट्स के लिए।
मिनरल कॉम्पोजिशन कितना है, जितना ज़्यादा मिनरल बोले तो उतना ज़्यादा ह्यूमस कॉन्टेंट, जितना ह्यूमस कॉन्टेंट उतना प्लांट के लिए बढ़िया, टोपोग्राफी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, सॉइल किसको डिसाइड करेगी, प्लांट को। बेटा प्लांट बदले में किसको डिसाइड करेगा, एनिमल को, खत्म बात, आ जाओ। एक्वेटिक जो एनवायरनमेंट होता है ना, वहाँ पे सेडिमेंट कैरेक्टर बोले तो पानी का लेयर में डीप जो सॉइल है उसी को सेडिमेंट बोलेंगे, वो डिटरमाइन करता है बेनेथिक एनिमल्स को। अब एनसीईआरटी ने ये दे नहीं रखा, बस ये लाइन लिख रखी है और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है तो तुम्हें पता होना चाहिए। आप पानी के ना तीन लेयर्स डिवाइड कर दो, जो ऊपर ही ऊपर सरफेस की तरफ मिलेंगे ना उनको आप बोलते हो प्लैंकटन्स। तुम्हें पता ना जू प्लैंकटन होते हैं, फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं, तो ये प्लैंकटन्स होते हैं, ये आपको ऊपर ही ऊपर मिलते हैं। जो आपको बीच की लेयर में मिले नेक्टन्स, और जो सबसे नीचे ही नीचे मिले उसे हम बोलते हैं बेंथोस या बेंथिक ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, जो तुम बोलना चाहो। तो ऊपर ही ऊपर वाले प्लैंकटन, बीच वाले नेक्टन और नीचे वाले बेंथोस या बेंथिक। कैसे याद रहता है, बीनीथ बीनीथ नीचे नीचे वर्ड है ना, प्लैंकटन सबको याद रहते हैं ऊपर ही ऊपर, तो बीच में क्या बचा, नेक्टन। आप देखो ना, ये देखो, ये प्लैंकटन रहे, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। नेक्टन्स में भाई साहब ये टर्टल और ये फिश विश आ गए। बेंथोस में आपको याद है आपके पॉरीफेरा वगैरह, स्टार फिश वगैरह, ये सब पड़े रहते हैं ऐसे जमीन पे, तो ये आपके हो गए बेंथोस ऑर्गेनिज्म। तो सेडिमेंट कैसा है वो डिसाइड करेगा बेंथिक एनिमल्स को। आ जाओ फटाफट पढ़ लेते हैं। सॉइल, नेचर एंड प्रॉपर्टी सॉइल की वेरी करती है, डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, वेदरिंग प्रोसेस पे, सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई है कि बनी है, सॉइल डेवलप कैसे हुई, इजी। नेक्स्ट राउंड, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा इससे सीधा सीधा। कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, परकोलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, प्लस पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, टोपोग्राफी, ये सब क्या डिसाइड करते हैं, प्लांट कैसा होगा, प्लांट क्या डिसाइड करेगा, एनिमल कैसा होगा। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सेडिमेंट किसको डिसाइड करेगा, बेंथिक एनिमल्स को। आई होप टिल दिस इट इज़ वेरी क्लियर। तो बच्चों आज के लेक्चर में तो अपन ने दबा के अबायोटिक फैक्टर्स को ही पढ़ा है, आई होप तुम्हें समझ आ गया इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। अगर वीडियो देखते हो तो ऐसा देखा करो कि उसको घर जाके दोबारा नहीं अपन बार बार पढ़े, यहीं के यहीं उसको पढ़ के दिमाग में सेट करो, और तुम्हें सारे टॉपिक में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो बता दिया, समझ आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे मिलेंगे। बहुत मज़ेदार चैप्टर है यार ऐसा, ये जो चैप्टर है इनफैक्ट इकोलॉजी के चारों चैप्टर में से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है। तो अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, प्लस कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।